आज इस राष्ट्रीय संगोष्ठी पर मंच पर विराजमान सभी महानुभावों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं एवं वंदन करते हैं। मंच से सम्मुख जितने भी महानुभाव बैठे हैं, अपने छतरपुर जिले के सभी सम्माननीय बंधु भगिनियों का, प्यारे बच्चों का, रिसोर्स पर्सन्स का एवं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के एक एक सदस्य का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं एवं वंदन करते हैं। ये महाराजा कॉलेज है और महाराजा कॉलेज से अभी तक हम जितने भी सुनते आए हैं, लगभग चित्रकूट में काम करते हुए 20 साल हो गया, तो एक एक कार्यकर्ता का या एक एक भैया बहन का जब भी मैं सुनती हूँ ये महाराजा कॉलेज से निकले हैं, तो वो वास्तव में महाराजा और महारानी जैसे दिखते हैं, वो सामान्य कार्यकर्ता के रूप में कोई दिखता नहीं। इसीलिए इस प्रांगण में आकर, इस स्टेडियम में खड़े होकर हम उन सब महानुभाव जितने भी यहाँ से अच्छा काम करके और दूसरी जगह जाकर अपने महाराजा कॉलेज का नाम जो वहाँ पर कमा रहे हैं, उन सबका भी हम याद करते हैं, उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ। इस गरिमामयी कार्यशाला में मंच पर विराजमान यहाँ के लोकप्रिय विधायक सम्माननीय श्रीमती ललिता यादव जी, दीदी जी, श्रीमती अर्चना सिंह जी, आप सबके बहुत लोकप्रिय अध्यक्ष महोदया है और वो जब बात करती है तो वो भी बहुत मीठे इससे आप सबसे बात करती है। ऐसे आज यहाँ पर गरिमामय उपस्थिति ललिता दीदी का, अर्चना जी का, सम्माननीय उमेश शुक्ला जी भाई साहब, श्री राजेश शुक्ला जी जिनको हम सब लोग प्यार से राधे भैया कहते हैं, श्री श्रीमती स्नेहलता खरे जी, सम्माननीय महाविद्यालय के सम्माननीय प्राचार्य महोदय जी डॉक्टर पवन पचौरी जी, डॉक्टर सुनीता जी, डॉक्टर पी के पटेरिया जी इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, डॉक्टर अरविंद जी संगठन सचिव जी हैं इस पूरे का, एवं हम बहुत आदर से जिनका नाम लेते हैं, सम्माननीय सरदार प्यारा सिंह जी भाई साहब, सम्माननीय मधुसूदन पित्रे जी भाई साहब, जितू भाई साहब, बब्बू भाई साहब एवं यहाँ उपस्थित सभी बंधु भगिनियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं एवं वंदन करते हैं। अभी अभी मंच पर आकर एक के अनुरोध पर अनुरोध जी यहाँ पर आए, उनका भी हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग एक यहाँ पर निश्चित लक्ष्य को लेकर एक नेशनल वर्कशॉप या नेशनल सेमिनार का यहाँ पर आयोजन किया है। फिजिकल एजुकेशन के थ्रू किस तरह हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हैं, लोगों को कैसे व्यावसायिक दृष्टि से उनको आगे बढ़ा सकते हैं, तो उसमें से हम सब लोगों को पता है कि एक कहावत, एक कहनी है, हर समय लोग कहते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये कोई ऐसी बात नहीं है, जब पार्वती जी व्रत कर रही होती है शिव जी के लिए और व्रत करते करते उनका पूरा शरीर क्षीणहीन हो जाता है, तब शिव जी एक साधारण ब्रह्मचारी के रूप में आकर माता पार्वती जी को यही कहते हैं, जब शरीर ही नहीं रहेगा जिसके लिए तुम तपस्या कर रहे हो, वो पाकर भी तुम कुछ सुकून नहीं रह सकते, खुशहाली का जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। इस तरह जब शिव जी महाराज जी ये बात कहते हैं, तो फिजिकल एजुकेशन का जब हम लोग बात करते हैं, जैसे अभी राधे भैया ने बोला था कि हम 6 बजे उठते हैं, ये फिजिकल फिटनेस के लिए है। यदि व्यक्ति स्वस्थ ही नहीं रहेगा तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि बुझा हुआ चेहरा, रोता हुआ चेहरा, एकदम ऐसे गरीब जैसा चेहरा बना के घूमने वाले दूसरों को खुशी नहीं दे सकते। इसीलिए आप लोग सुनकर ताजुब होगा, कोई भी प्रेग्नेंट लेडी, अभी अमेरिका में एक प्रेगनेंसी के ऊपर पूरा काम चल रहा था, किस तरह टॉक्सिन्स एक दूसरे तरफ जा रहा है इसके ऊपर रिसर्च चल रहा था। एक प्रेग्नेंट लेडी का बच्चा होता है और वो बच्चे का और उनका ब्लड का जब टेस्ट करते हैं, न्यू बॉर्न बेबी, जस्ट बॉर्न बेबी का जब टेस्ट करते हैं, तो उसके अंदर इतने सारे टॉक्सिन्स पाए जाते हैं। हम लोग जान सकते हैं माँ के पेट में तो कभी कोई टॉक्सिन्स नहीं होता, लेकिन वो बच्चे के खून पे इतना सारा उसमें टॉक्सिन्स आता है। तब लोगों ने पूछा आखिर कारण क्या है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आप क्या खाते थे, तो वो बोलती है मैं खूब अंगूर खाती थी।
तो अंगूर का जो आजकल जो अंगूर आ रहा है उसके ऊपर कितना केमिकल्स डालकर उसको बना रहे हैं, और वो यदि एक माँ बनने वाले एक महिला खाती है तो जब बच्चा पैदा होता है तो अपने आप या तो वो अपंग पैदा हो रहा है या फिर उसके अंदर ऐसी कमियां न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज पाए जा रहे हैं कि वो कभी भी फिजिकली फिट नहीं हो सकता। तो इसीलिए आज ये बहुत ही अच्छा समय आ गया, कम से कम यहाँ पर ऐसे ऐसे रिसोर्स पर्सन से ऐसे ऐसे प्राध्यापक बंधु भगनिया हैं जो अपने महाराजा कॉलेज के और सम्मान्य प्राचार्य महोदय जी और जनता के बीच में निरंतर काम करने वाले जनसेवक बंधु भगनिया यहाँ पर विराजमान है। हम लोग सोच लेंगे तो काम कोई बहुत बड़ा नहीं है, और बचपन में हम सब लोग जानते हैं बचपन में खेल ऐसा खेल हम लोग खेलते थे जो शरीर को कभी भी थकाता भी नहीं था, थकाने के बाद भी एक नया ऊर्जा नई एनर्जी नया खून का संचार होता था, और वो सस्ते खेल होते थे, लोकल जो रॉ मटेरियल्स होते थे या वहाँ की जो आवश्यकता होती थी उसके आधार पर हम सब लोग खेल करते थे। हम अभी रास्ते में भी देख रहे थे साइकिल का टायर खराब हो गया, वो कभी भी वो वेस्ट मटेरियल नहीं होता था, एक छोटा बच्चा अंडा ले लेता था उसको पूरा चलाता हुआ दौड़ता हुआ चला जाता है, तो इस तरह के एक खेल होते थे। और वहीं पर हम लोग एक गोला बनाते और वहाँ पे पत्थर रखते हैं निशाना मारना, कोई पैसा नहीं है लेकिन उसकी निशाना उसकी आंखों का उसकी दृष्टि का उसकी जो विजन है वो सब उसका पढ़ना चालू हो जाता है। उसी तरह एक सिल्वर डंडा का खेल होता है, डंडा फेंकना और जब तक कि वो जाता है बच्चे पेड़ चढ़ जाते हैं, फिर दूसरा आता है पेड़ से पकड़ना होता है, चाहे वो कबड्डी हो चाहे वो वॉलीबॉल वगैरह, तो बहुत बड़ा खेल हो गया। एक यदि बारिश हुआ उसमें एक नाव भी तैराता है बच्चा, वो भी एक खेल है। तो खेल के लिए कोई अपने को संसाधन चाहिए ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन समय परिवर्तन के साथ साथ हम सब लोगों को आज आवश्यकता पड़ गया है, क्योंकि लोगों के घरों पे आज पानी नहीं रुकता, बारिश का पानी बह गया तो वो नाव कहाँ तैराएगा। यदि ऐसे पूरे जो पेड़ों का झुंड होता था चाहे वो इमली का पेड़ हो आम का बगीचा हो, आज वो बगीचे बच्चों को नहीं मिलते, इसीलिए आज सख्त जरूरत है ऐसे स्टेडियम्स का, वो इंटरनेशनल स्टेडियम्स हो नेशनल लेवल का स्टेडियम्स हो। तो ये सब तो हो गया जिसके लिए एक फिजिकल एजुकेशन की बात हम लोग करते हैं, और यदि व्यावसायिक दृष्टि से देखते हैं तो जैसे अभी अनुरोध जी ने बताया था बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है खेल के माध्यम से फिजिकल एजुकेशन को। बीपीएड एमपीएड जो बच्चे करते हैं वो सिर्फ डिग्री लेके घूमते हुए नजर आते हैं, हमें कॉलेज में नौकरी लगवा दो तो हम पीटी सिखाएंगे, ये नौकरियां कर कर वो कभी भी एक फिजिकली फिट बच्चा को तैयार नहीं कर सकता। हम सोचते हैं बचपन में हमारे यहाँ पे भी एक फिजिकल एजुकेशन का टीचर हुआ करती थी, वो जब आती थी तो हम लोग कितने छोटे थे, उसके बाद भी उस टीचर का हम लोग मजाक उड़ाते थे, देखो आगे अभी पीटी कराएंगे एक दो तीन चार करके। तो व्यावसायिक इस पे यदि फिजिकल एजुकेशन को ले जाना है तो सबसे पहला चीज है क्यों हम लोग जब ये गाना बजता है सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, अपने आप हम लोग का हाथ थिरकने लगता है पैर थिरकने लगता है कमर थिरकने लगता है, लेकिन जब वो पीटी की बात आती है क्यों नहीं बच्चों का वो पैर वो हाथ वो लय वो ताल वो स्वर क्यों नहीं आता, इसीलिए नहीं आता अपने एजुकेशन सिस्टम में उस तरह की कोई चीज लोग नॉवेल्टी लाना नहीं चाहते इनोवेटिवनेस लाना नहीं चाहते, वही रूढ़िवादी जितनी चीजें हैं हम ये नहीं कहते अपनी परंपराएं गलत है, परंपराओं की बात नहीं, जो पद्धति अपने को न्यू जनरेशन के लिए यंगस्टर्स के लिए जो विकास करने की प्रक्रिया यदि हो जाएगी तो बीपीएड एमपीएड के भैया बहनों को या फिजिकल एजुकेशन में जो भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया उसको नौकरी की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। उसी प्रकार आज के खेल खिलाड़ी लोग जितने भी दवाई खाते हैं वो सब एलोपैथी की दवाई खाते हैं, एलोपैथी की दवाई खाते खाते एक दिन उसका पूरा शरीर खत्म हो जाता है, इसके अच्छे अच्छे रिपोर्ट्स हैं, और अपने भारत देश में आजकल एलोपैथी की खपत सबसे ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो क्यों ना फिजिकल एजुकेशन से पढ़े हुए भैया लोग रोजगार की दृष्टि से ऐसे कोई दवाइयाँ ऐसे कोई फूड सप्लीमेंट्स तैयार करना शुरू करें ताकि उसका रोजगार भी बने और जो खिलाड़ियाँ हैं उनका स्वास्थ्य भी बने रहे।
तीसरी चीज इसी में डाइट सप्लीमेंट्स के रूप में हम लोग अभी बात हुई है, तो लोगों बात करते हैं मैल न्यूट्रिशन है, किसी को कार्बोहाइड्रेट्स की कमी बोलते हैं, किसी को प्रोटीन्स की कमी बोलते हैं, किसी को फैट्स की कमी बोलते हैं। इसीलिए दुकानों में आजकल खिलाड़ियों के लिए ऐसी ऐसी दवाइयाँ बिकती हैं, उसको खाने के बाद वो मैराथन में तो फर्स्ट आ जाता है या किसी भी कबड्डी में वॉलीबॉल में फर्स्ट आता है, बाद में उसका ब्लड टेस्ट होता है और उसको गड़बड़ रास्ते पर ले जाकर जेल में बंद कर देते हैं। इसीलिए शिवाजी की एक कहानी है, मैं यहाँ पर कोई गड़बड़ बातें नहीं कर सकती, क्या दवाइयाँ हैं, क्या गंदी बातें खिलाड़ियाँ करते हैं, क्योंकि वो बातें कहना भी नहीं चाहिए। उसके लिए एक बार शिवाजी बहुत छोटे थे, तब वो गंदी गंदी बातें सब सीख कर आते हैं आसपास के इलाके से, उनकी माँ के सामने गंदी बातें करते हैं, तो उनकी माँ कहती है बेटे ये गंदी बात है, गंदी बातें ना करना। तब शिवाजी पूछते अपनी माँ से, क्योंकि वो तो इंटेलिजेंट थे, वो पूछते शिवाजी से, माँ गंदी बातें क्या होती है, वो सब तुम हमें लिख के दे दो, फिर कभी मैं वो काम नहीं करूँगा। तब माँ का उत्तर होता है बेटा गंदी बात तो सोचना तो दूर, मैं तो लिख कभी नहीं सकती, जिन चीजों को एक बार सोच कर एक बार यदि लिपिबद्ध कर दिया वो दिमाग से कभी नहीं उतरता, इसीलिए तुम खुद समझ जाओ गंदी बात क्या है अच्छी बात क्या है। तो खिलाड़ियों के लिए भी वही बातें हैं कि गंदी बात क्या अच्छी बात क्या, हमको क्या अपनाना चाहिए हमको क्या नहीं अपनाना चाहिए, तब हम लोग एक पॉजिटिव और रचनात्मक दृष्टि से व्यवसाय के लिए सोच सकते हैं। उसी तरीके से एक और अपॉर्चुनिटी सबसे अच्छा अपना बुंदेलखंड इलाके में हो सकता है, अपने यहाँ पर हॉकी का इतना अच्छा खिलाड़ी रहे ज्ञानचंद जी, यदि इस तरह के लोगों का नाम से हम लोग यहाँ पर यदि व्यवसाय का कुछ भी शुरू कर देंगे एक एक इलाके को लेकर, वो हो सकता है। तीसरी चीज, आज यहाँ पर जितने भी अपने व्यायाम शालाएं हैं क्यों बंद हो गया, तो ऐसे कोई भी अपनी खिलाड़ी है वो सोच लेगा मैं पढ़ लिखने के बाद बेरोजगार नहीं घूमूंगा, जितने भी मल्लशालाएं हैं व्यायाम शालाएं हैं उन सबको मैं पुनर्जीवित करूंगा और लोगों को मैं रेसलिंग सिखाऊंगा, डंबल्स सिखाऊंगा, वहां पर उनको वेट लिफ्टिंग का काम सिखाऊंगा, तो फिर कहीं पे रोजगार की संभावनाएं कहीं कोई कम नहीं करता। मात्र इतना है अपनी जो चीजें हैं अपनी जो उपलब्ध संसाधन है उनको पहचानना, पहचानने के साथ साथ पढ़ाई इसीलिए करते हैं उसको अभिनव प्रयोगों में कैसे करना, तो धीरे धीरे हम लोग इस तरह की सोच रखेंगे। इस तरह की कार्यशालाओं में अभी भाई साहब संचालन करते समय कह रहे थे यदि दो लोगों को रोजगार मिलेगा तो बहुत अच्छा है, हम कहते दो नहीं 2000 से ऊपर के लोगों को रोजगार मिल सकता है। हर बार हम लोग जानते हैं कोई खेल कूद की प्रतियोगिता होती है तो नॉर्मली अपन लोग जहाँ पे भी जाते हैं ये बैच से अलंकृत करते हैं, यही बैच सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए भी करते हैं हम लोग, यही बैच कॉलेज के एनुअल फंक्शंस में भी करते हैं, यही बैच कोई भी चीफ गेस्ट आते हैं उनको करते हैं, तो क्यों ना स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स सोचे स्पोर्ट्स का हमारा अलग एक बैच होगा उसका निर्माण करना शुरू कर देंगे, तो अपने आप एक रोजगार। अभी अपने जबलपुर में बहुत बड़े हम लोग चित्रकूट में क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता कराए थे, तो उसमें शील्ड्स लेना था और सभी गांव के 500 गांव के लोग वहां आकर खेलकूद कर रहे थे। क्रिकेट आपको लगेगा कि डीआरए ने क्रिकेट क्यों कराया, क्योंकि हम सब लोग युगानुकूल सामाजिक पुनर्रचना के लिए काम करते जो जल अभी चल रहा है उसको हम लोग छोड़ नहीं सकते, लेकिन अपनी पुरानी चीज़ों को भी बचा के रखने के लिए वॉलीबॉल कबड्डी और क्रिकेट का कराया था 500 गाँव का, और ऐसे लगभग 50 टीम तीनों गेम्स के 16-16-16 करके चित्रकूट आए, तो हमारे प्रधान सचिव जी जो आपके महाविद्यालय के स्टूडेंट हैं उन्होंने कहा गांव वालों को कोई कमी नहीं पड़ना चाहिए, जैसा भी बात हो रही थी पैसा कोई इश्यू नहीं है, हम लोग के पास एक रुपये नहीं था लेकिन हम लोग ने दिलेरी के साथ जबलपुर गए शील्ड्स ट्रॉफीज खरीदने के लिए, एक एक ट्रॉफी 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार का खरीदते हैं, तब हमने देखा कि स्पोर्ट्स में कितना ऑप्शंस है, एक व्यक्ति चाइना का मटेरियल लाता है, बना बनाया प्रोडक्ट नहीं लाते, बने बनाए कोई चीज नहीं लाते, सब रॉ मटेरियल लाता है और जबरदस्त ट्रॉफीज जबरदस्त शील्ड्स जबरदस्त मोमेंटोस बनाते हैं। ये अपॉर्चुनिटीज बहुत है, कैश करने की जरूरत है,
ऐसी शिक्षा हो बीपीएड एमपीएड का कि हर एक, जैसे अभी अर्चना जी ने बोला था, ये प्राइमरी लेवल से फिजिकल एजुकेशन का बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसे कॉर्पोरेट जगत में भी, ऐसे सोशल सेक्टर्स में भी, हर एक कॉलेजेस वगैरह उसमें तो टीचर्स होते हैं, हर एक इस पे एक ऐसा बन जाए कानून या कुछ भी, हर जगह पर एक इंस्ट्रक्टर होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन के लिए। तो अपने आप लोग 5 बजे उठेंगे, अपने आप फिजिकल फिटनेस होगा। संस्कृत में कहा गया है आरोग्यम महाभाग्यम, तो सबको ऐसा सोना मिलेगा कि हम सब लोग फिजिकल एजुकेशन के थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हैं। और आगे तो आपका टेक्निकल सेशंस होगा, हमें मालूम नहीं था कि ऐसे कुछ टेक्निकली भी बात करने हैं। ये साधारण बातें जो हमारे अनुभवों के आधार पर आप सबके सम्मुख हमने रखने का प्रयास किया है। जो बच्ची का हमें अभी परिचय कराया था हॉकी की है, हॉकी स्टिक जैसा हम लोग भी हर समय चालाक रहे। हिटलर ने बोला था अपने ही झांसी के जो इतना बड़ा हॉकी के प्लेयर को कि तुम बिक जाओ लेकिन खिलाड़ी बिका नहीं। वो बोला जब भी खेलूंगा तो मैं भारत देश के लिए खेलूंगा, पैसे के इसमें मैं बिकूंगा नहीं। ऐसे हम सब लोग भी अपने भारत देश के लिए जिए, अपनी छतरपुर के लिए जिए, अपने महाराजा कॉलेज के लिए जिए। बहुत छोटी छोटी इच्छाओं को मन में रखकर हम लोग जिएंगे तो व्यवसाय तो कुछ बड़ी चीज नहीं है, वो तो अपने पीछे पीछे आता है। एक छोटा सा उदाहरण नाना जी का बताकर मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। नाना जी से लोगों ने पूछा कि नाना जी इतनी बड़ी संस्था आपने खड़ा कर दिया, करोड़ों का, मिलियंस का, बिलियंस का, ये बजट आपको कहाँ से आया, पैसा कहाँ से आया, तुमने बजट कहाँ से बनाया? नाना जी ने कहा भाई मैं लक्ष्मीपति हूँ, लक्ष्मी का दास हूँ, लक्ष्मीपति हूँ, इसीलिए मेरे पीछे पीछे लक्ष्मी दौड़ती है। मैं लक्ष्मी दास होता तो मैं लक्ष्मी के पीछे भागता। तो व्यवसाय वही है, जब हम लोग लक्ष्मीपति बन जाएंगे तो व्यवसाय में पैसा कमाना कोई बहुत चीज बड़ी चीज नहीं है। छोटे छोटे इवेंट मैनेजमेंट स्पोर्ट्स के लिए अलग अलग जगह करके हम लोग पैसा कमा सकते हैं। तो आयाम बहुत है, हमको यहाँ पर बहुत ही सम्मान से हमारे राधे भैया जी, जीतू भाई साहब एवं सम्मान्य प्राचार्य महोदय जी, आयोजन मंडल के सभी सदस्यों ने यहाँ बुलाया, हम यहाँ पर आए। हमें जो खुशी आज यहाँ पर हुई है, लोग कहते हैं महिला सशक्तिकरण, हम लोग महिला सशक्तिकरण की बात यदि करते हैं तो आपको छतरपुर में साक्षात 3-4 देवियाँ बैठी हुई नजर आती है। तो यही हम लोगों का है, जब घर से हम लोगों को पति, सास, ससुर सब लोग ऐसे तैयार करके बाहर भेजते हैं तो महिला सशक्तिकरण है। अकेले महिला परिवार को छोड़ के निकल पड़े हम बहुत बड़े आदमी हैं करके तो ये महिला सशक्तिकरण बिल्कुल नहीं है। परिवार के साथ जुड़कर फैमिली एक बेसिक यूनिट ऑफ द सोसाइटी समझ कर यदि हम सब महिलाएं काम करें, कभी कोई हम लोगों को कोई पीछा नहीं कर सकता। इन्हीं बातों के साथ सभी को बहुत बहुत आभार, उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं का, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सभी सम्माननीय प्राध्यापक बंधु भगनियों के चरणों में मैं वंदन करती हूँ। डॉक्टर अश्विनी दुबे जी भी यहाँ पर है, खरे साथ आप सभी का भी तहे दिल से स्वागत करते हुए, उपस्थित सभी महानुभावों का चरणों में वंदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। खेल जीवन चलता ही रहे, इसमें कोई कठिनाई ना हो, यही प्रभु कामतानाथ जी से हम लोग निवेदन करते। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की।